कल दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी तबीयत ये नहीं ठीक थी कि कल मैं एक अंडे का ब्रेड लगा के खा ली है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी तो मैं शाम को काम पे नहीं आने को मन कर रहा था, तो इसीलिए हम मतलब फिर भी हम आए काम पे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। और तो दोस्तों तबीयत मेरी ख़राब था तो हम शाम को आए काम करने, तो मुझे काम करने को मन एकदम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हम क्या किए, कैसे कैसे मतलब भाभी के सब्जी चावल और रोटी बना ली है। इसके बाद घर गए तो हम इसके पापा के पास कॉल किए तो कह रहे हैं, हम बोले कि हम अंडा खाएं, हमारा तबीयत नहीं ठीक है और हम क्या करें। तो फिर हम गए तो दुकान से आए दोस्तों, तो तुरंत सब्जी रोटी बनाए वो। फिर उसके बाद हम तुरंत सो गए। उसके बाद हमारे सर पे शॉर्ट वीडियो डाले हैं दोस्तों, आप लोग दे सकते हैं। तो क्या किए, तेल मंगा के सारा सर में मतलब मेरे सर में तेल लगाए। और उसके बाद वो सुबह हम बहुत लेट सो के उठे हैं, 7:30 बजे सो के उठे हैं दोस्तों। तो उठे हैं जल्दी ही, झाड़ू लगाए हैं, बर्तन वर्तन मतलब धुले हैं और फिर उसके बाद क्या किए हैं, अरे चाय बनाए हैं, रोटी बनाए हैं और फिर सब्जी बनाए हैं। तो अपने भी खाए हैं, बोले बच्चे से बोले मम्मी को जगाओ ब्रश करे, तो हम दोस्तों ब्रश किए हैं। और उसके बाद ब्रश करके उसके बाद चाय पिए हैं। तो कह रहे हैं काम पे जाना हो तो जाओ, तो हम जानते हैं दोस्तों काम पे, इसलिए हम नागा नहीं किए हैं। भाभी तो नहीं कुछ बोलती हैं लेकिन दादी बहुत गुस्सा करती हैं, इसीलिए हमको काम पे आना पड़ा। तो हम काम पे आए हैं बना के, उसके बाद हम यहाँ हम सोचे आप सभी लोग को लिए एक ब्लॉग डाल दे कि आप लोग देखें तब समझे, और बाकी हम बाद में बताएंगे आप सभी लोग को मेरे साथ क्या क्या होता है क्या। तो दोस्तों लोग कहते हैं कि इसका हस्बैंड पीता है ये, हाँ दोस्तों पीते हैं लेकिन जान से बढ़ के मानते हैं, जो हमको घाटा रहता है हमारा पहनने ओढ़ने का और खाने का कमी नहीं करते हैं दोस्तों, बस पीते हैं भले लेकिन कुछ का कमी नहीं करते हैं। हाँ कभी लोगों चढ़ाने लगते हैं, भड़काने लगते हैं, तो दोस्तों इसीलिए मेरे हस्बैंड जी मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो क्या हुआ उल्टा सीधा बोलते हैं, किसके घर में नहीं होता है, किसका घर का छुप जाता है, किसी का घर का नहीं छुपता है। तो दोस्तों जो दूसरे के बारे में गलत सोचता हो गलत खुद है। तो हम एक बार दोस्तों बता रहे हैं कि हम जैसे पहले काम कर ले रहे थे, अभी समय काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 2-3 महीने से लग रहा है कि हमारे घर में कोई कुछ करा दिया है। तो दोस्तों ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो भगवान से जो भी काम रहता है भगवान के ऊपर ही छोड़ते हैं, लेकिन हमारे घर में 2-3-4 महीने से ऐसा ही हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई करा दिया गया हमारे घर में। क्योंकि मेरा भी तबीयत ख़राब हो रहा है, मेरे बाबू का भी चोट लग गया था, मेरी बहनी का भी चोट लग गया था, कभी हस्बैंड जी का तबीयत ख़राब हो जा रहा है, कभी छोटे वाले बच्चे का तबीयत ख़राब हो जा रहा है। तो दोस्तों मेरे घर में कराया गया है इसीलिए ऐसा हो रहा है और ज़्यादा ही चोट लग रहा है। और हम दोस्तों जैसे पहले काम कर रहे थे, हम काम कर एकदम नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो गया है, दूसरे वीडियो में आप सभी लोग से हम मिलेंगे और क्या हमारे सक्सेस क्या हुआ है क्या नहीं, और मैं अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखिएगा और ढेर सारा आप सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा अमीर घर से नहीं हैं, छोटे ही घर के हैं, छोटे फैमिली छोटे परिवार गरीब घर से हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तब के लिए बाय बाय।